नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लिक्विड पंप का नेम प्लेट पढ़ने के बारे में। दोस्तों, लिक्विड पंप का नेम प्लेट में क्या लिखा होता है और उन सभी का क्या मतलब होता है, इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये है लिक्विड पंप और ये है इसका नेम प्लेट। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर साइड में देख सकते हैं कि ये है सीरियल नंबर, किसी भी उपकरण का सीरियल नंबर होता है। और यहाँ पर डेट है जब ये मैन्युफैक्चर होता है, तो यहाँ पर डेट उसका दिया होता है। और साथ में यहाँ मॉडल नंबर होता है, देखेंगे आप गाड़ियों का चाहे किसी भी चीज का मॉडल नंबर होता है, तो यहाँ मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ हेड लिखा हुआ है। दोस्तों, हेड इसका आउटपुट प्रेशर से है, जब ये लिक्विड को आउटपुट करता है उसका प्रेशर से संबंधित ये हेड होता है। और यहाँ एम दिया हुआ है, एम का मतलब मीटर होता है। तो हेड जो है तो 50 मीटर लिखा हुआ है, यानी ये ग्रेविटी के खिलाफ, यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ ऊंचाई तक कितने मीटर तक ये लिक्विड को पंप कर सकता है। तो ये 50 मीटर ऊंचाई तक लिक्विड को पंप कर सकता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसका कैपेसिटी दिया हुआ है, कैपेसिटी में यहाँ 10 क्यूबिक मीटर पर आवर दिया हुआ है, यानी एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर कोई भी लिक्विड आता है। तो यहाँ पर 10 क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है, यानी एक घंटे में 10000 लीटर, यानी 10 क्यूबिक मीटर पर आवर एक घंटे में 10000 लीटर लिक्विड को पंप कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है इसका फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का फ्रीक्वेंसी दिया होता है यहाँ 50 है। और यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों FLA, FLA का मतलब दोस्तों होता है फुल लोड एम्पियर, यानी ये चीज सभी मोटर पर नहीं दिया होता, उस मोटर पर दिया होता है जो हमेशा फुल लोड पर या ज्यादा देर तक फुल लोड पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया हो। तो ये मोटर फुल लोड एम्पियर है 8 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 एम्पियर पर हमेशा ये काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर RPM दिया हुआ है 2900 RPM है, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में ये 2900 बार चक्कर लगाता है, घूमता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देख सकते हैं कि 3 फेज का है, ये 3 फेज का मोटर है। और यहाँ पर यहाँ करंट दिया हुआ है किलोवाट में, ये 3.7 किलोवाट का है। और यहाँ पर 415 वोल्टेज पर ये ऑपरेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह दोस्तों आसानी से पढ़ सकते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है उसे जान सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।